तुम सबका स्वागत है ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में। तुम तीनों का होने वाला एक ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। तुम्हें अपनी गाड़ी लेकर अपनी गाड़ी से 8 बनाना पड़ेगा, वो भी बिना इन कोन्स को बढ़ाए। अगर तुमने बना दिया तो तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। और याद रखना, अगर एक भी कोन अड़ा तो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस फेल हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम ड्राइविंग टेस्ट देने आयो कि बीच पर नंगे क्यों आयो? सॉरी सर, अब मैं इतना भी खास नहीं, अभी जाके टेस्ट दे के आता हूँ। तुक्का है सर, अभी मैं अभी सुबह सुबह ड्राइविंग टेस्ट देने आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे यार कल पता चला कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होता है। मैं तो इतने टाइम से ऐसे ही घूम रहा था, फिर कल पुलिस ने पकड़ के मुझे बहुत मारा। अरे सर, कहाँ जाना है, वापस चले जाना है क्या? अरे ये क्या, तुमने तो कोन में भेद दी, ड्राइविंग लाइसेंस फेल, 8 बनाना है, 0 नहीं, निकलो यहाँ से। मैडम आपकी बारी। ओके ओके, अभी मैं चाहती हूँ, मैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस आज बना के रहूंगी। ये मेरा 5वां टेस्ट है, 5 बार मैं फेल हो चुकी हूँ, पर इस बार मैं पक्का पास होंगी। क्या ये 5 बार फेल हो चुकी है? यार ये इतना ज्यादा हार्ड होता है क्या? वो पहला जाना तो ठुक गया, देखते ये दीदी क्या करने वाली है। अरे मैडम क्या जीत गई, अभी रिवर्स भी करना है। क्या ये तो मुझे बताया नहीं था, ये तुम चीटिंग कर रहे हो, मुझे नहीं देना टेस्ट, मैं जा रही हूँ, अभी तेरी तो ये ले। अरे मुझे क्यों मार दिया, इसकी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सर आपको टेस्ट देना है कि नहीं? अरे हाँ देना, इसलिए तो आया, रिवर्स भी करनी पड़ेगी। अरे हाँ तुम टेंशन मत लो, स्ट्रेट रिवर्स साइड लेफ्ट हवा में सब तो कर दूंगा मैं। क्या हवा में? अरे तुम टेंशन मत लो, अभी दिखाता हूँ कैसे चलाते हैं गाड़ी। हमारी गाड़ी यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है कन्वर्टेबल कार में, फटाफट से करते हैं। मुझे तो ये बहुत इजी लग रहा है, पता नहीं लोग क्यों नहीं कर पाते। जल्दी जल्दी लेकर चलते हैं, यहाँ से मुड़ाएंगे आराम से, जाने दो जाने दो, ये तो बहुत इजी था। सर अब रिवर्स में। ओके चलो गाइस, सर अब रिवर्स में लेकर जाते हैं। ओके ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अगर चाहते हो मैं जल्दी से ड्राइविंग टेस्ट हमारा पास कर दूं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो गुड लक फ्रैंकलिन, आपके गुड लक से मैं जल्दी से इसको पास कर दूंगा। और ये बस कंप्लीट होने वाला है, आने दो आने दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे थैंक यू थैंक यू। और गाइस यार हमने अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर दिया। बहुत बढ़िया, आपने आज तक कितनी बार टेस्ट दिया है? अरे मेरा तो पहली बार था, मुझे तो कल ही पता चला है कि लाइसेंस ही होता है। असंभव, आज तक किसी ने एक बारी में टेस्ट कंप्लीट नहीं किया, आप तो बहुत ही अच्छे ड्राइवर हो। अरे थैंक यू अब मेरा लाइसेंस तो बन जाएगा ना? हाँ बन जाएगा। एक सेकंड मेरी बात सुनो, आप इतने अच्छे ड्राइवर हो तो क्या आप गाड़ी चला के पैसे कमाना चाहते हो? क्या गाड़ी चला के? हाँ हमारे हाँ मेरे पास एक खतरनाक सा चैलेंज, जिसमें छोटे मोटे चैलेंज करने पड़ेंगे और फिर तुम जीत सकते हो बहुत सारा पैसा। क्या कौन सा चैलेंज और कितना पैसा? अगर तुमने पहला चैलेंज कंप्लीट किया तो $100 मिलियन, अगर तुमने पहला चैलेंज कंप्लीट किया तो तुम्हें मिलेंगे $50 मिलियन, और अगर तुमने सेकंड चैलेंज कंप्लीट किया तो तुम्हें मिलेंगे $100 मिलियन, और अगर तुमने गलती से थर्ड चैलेंज कंप्लीट कर दिया तो तुम्हें मिलने वाले टोटल $500 मिलियन। क्या 500? हाँ पर मैं तुम्हें बता दूं, उस तीसरे चैलेंज को आज तक कोई कर नहीं पाया है। अरे आज तक कोई नहीं कर पाया तो मैं करूंगा, मुझे करना है, बताओ क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको करना पड़ेगा फर्स्ट चैलेंज, क्या आप तैयार हो? अरे मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जल्दी चलो जल्दी चलो। तुम सबका स्वागत है इस $50 मिलियन वैन रेस में। तुम चारों को अपनी वैन्स को भगाना है और जो भी जीतेगा उसको मिलेंगे $50 मिलियन। तो क्या तुम लोग तैयार हो? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, फटाफट से वैन चूज कर लेते हैं, कौन सी वैन ली जाए। रुक जाओ ये बढ़िया लग रही है, तो चलो फिर रेस शुरू करते हैं। तो गाइस सर सारे के सारे लोग वैन्स में बैठ चुके हैं और हम तैयार है अपनी वैन को भगाने के लिए, भगाओ। चलो गाइस सर हमें कैसे भी करके ये रेस जीतनी है, अगर हम ये रेस जीत गए तो हमें मिलेंगे $50 मिलियन और अगले कॉम्पिटिशन में जाने का मौका, तो जीतना तो पड़ेगा ही। एक सेकेंड, अबे ये किसने यहाँ पर डंपर किसने रख दिया, चलो फटाफट से भगाते हैं, हमें कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। तो गाइस सर फटाफट से कमेंट में लिख दो गुड लक फ्रैंकलिन, ताकि हम ये चैलेंज जल्दी से जल्दी जीत जाए और $50 मिलियन भी। तो जल्दी कमेंट कर देना, और गाइस सर जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे हमारा गुड लक और भी ज्यादा बढ़ता है, तो हमें तो अनलिमिटेड गुड लक चाहिए आज, तो फटाफट से जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ से अपनी वैन को खुदा लिया है, सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा पीछे हैं,
तो मैं आराम से अपनी गाड़ी यहाँ पर चला सकता हूँ और हमें टोटल 2 लैप करने हैं इसके। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं। एक तो ये किसका आइडिया था यहाँ पर कीचड़ मिट्टी में वैन चलाने का, ये आइडिया सही में बहुत ही ज्यादा बुरा है, पर कोई बात नहीं, $50 मिलियन जीतने के लिए हम ये भी कर सकते हैं। और मेरी गाड़ी यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और गाइस सर, मुझे लगता है मैंने अपना सबसे पहला लैप यहाँ पर बस कंप्लीट कर लिया। अब बारी सेकंड और फाइनल लैप की, और यहाँ पर सारे के सारे लोग इतने पीछे हैं कि मैं अपनी गाड़ी को रिवर्स करके चला सकता हूँ। तो गाइस सर, क्या आपने कभी ऐसी रेस देखी है जिसमें भाई ड्राइवर रिवर्स करके गाड़ी चला रहा हो? तो फटाफट से कमेंट करके बताना। ऐसा कोई नहीं करता, सिर्फ मैं ही करता हूँ। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है, जल्दी जल्दी कर दो। और कमेंट में अभी तक गुड लक नहीं लिखा तो लिख दो। अरे ये क्या, मुझे लगता है आपने अभी तक नहीं लिखा इसलिए मेरी गाड़ी यहाँ पर पलट गई। तो जल्दी जल्दी गुड लक कमेंट कर दो और अपनी वैन को फुल स्पीड में भगाते हैं और फटाफट से $50 मिलियन जीत जाते हैं। और गाइस सर, ये तो सिर्फ 50 मिलियन है, आज हमें उस $500 मिलियन वाले चैलेंज को भी जीतना है। तो उसके लिए हमें सारे के सारे चैलेंजेस को जीतना पड़ेगा। तो फटाफट से यहाँ से खुदाते हैं और अपनी वैन को खुदाते हैं, और लगता है थोड़ा गलत चले गए, पर कोई बात नहीं, सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा दूर है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से अपनी वैन को चला सकते हैं। चाहूंगा तो मैं पैदल भी जा सकता हूँ, पर मैं पैदल नहीं जाने वाला, मैं वैन में जाऊंगा। ये $50 मिलियन तो मेरे होके रहेंगे। फटाफट से अपनी वैन लेकर जाते हैं। तो गाइस सर, अभी आप देख सकते हो ये वैन वाला यहाँ पर मेरे पास आ चुका है और सामने फिनिशिंग लाइन है। ये तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये रेस मैं जीत चुका हूँ। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, तुमने ये रेस जीत ली। मैंने नहीं सोचा था तुम जीत पाओगे, पर तुम जीत गए। तुमको $50 मिलियन अभी चाहिए या फिर तुम अगले चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? क्या बोलते हो गाइस सर, 50 मिलियन लेके घर चले जाऊं या फिर अगले चैलेंज में पार्टिसिपेट करूं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो। पर आपको तो मेरा आंसर पता ही होगा, मैं इसमें पार्टिसिपेट जरूर करने वाला हूं। मैं तैयार हूं अगले चैलेंज के लिए। चलो फटाफट चलते हैं। फ्रैंकलिन, तुम्हारा स्वागत है $100 मिलियन वाले चैलेंज में। इस चैलेंज में अगर तुम्हें कमाने $100 मिलियन तो तुम्हें अपना सही WWE फाइटर चूज करना पड़ेगा। क्या, इसका क्या मतलब है? इन तीनों फाइटर में से तुम जो भी चूज करोगे वो जाएगा WWE रॉयल रंबल मैच खेलने, और अगर वो फाइटर जीता तो तुम्हें मिलेंगे $100 मिलियन, और अगर वो हारा तो तुम्हारे $50 मिलियन माइनस हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो गाइस सर, अगर हमें $100 मिलियन जीतने तो हमें सही फाइटर चूज करना पड़ेगा, और हमारे पास ऑप्शन है रैंडी ऑर्टन, इसको तो मैं बिल्कुल चूज नहीं करने वाला, आप घर जा सकते हो। अब हमारे पास 2 बाकी ऑप्शन है, रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर, इन दोनों में से हमें चूज करना है। क्या करा जाए मुझे नहीं पता, आपको क्या लगता है, रोमन रेंज अच्छा फाइटर है या फिर ब्रॉक लेसनर? फटाफट से कमेंट करके बता दो। क्या जिया, क्या किया जाए, क्या किया जाए? रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, 100 में से निकला धागा, चोर निकल के भागा, राजा की बेटी सो रही थी, फूलों की माला रो रही थी, अंग मंग शा। और गाइसर, मैंने चूज किया है ब्रॉक लेसनर को। फ्रैंकलिन, क्या तुम श्योर हो? ओ श्योर, हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैं ब्रॉक लेसनर को चूज करता हूँ। तो गाइसर, अभी हमारा ब्रॉक लेसनर जाएगा रॉयल रंबल का मैच खेलने, और अगर ये जीत गया तो हमें मिलेंगे $100 मिलियन। तो गाइस सर, अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं रॉयल रंबल में। मैंने बैट किया है ब्रॉक लेसनर पर, और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर आ चुका है सबसे पहले। ये रॉयल रंबल 10 मैन का है, मतलब 10 जने आएंगे, जो आखिरी तक रिंग में टिकेगा वो ये जीतने वाला है। तो मैंने अभी तो ब्रॉक लेसनर लिया है, देखते हैं क्या ये आखिरी तक टिकेगा। और ये क्या, इसने सीधा जे उसो को बाहर निकाल दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जे उसो तो बहुत ही ज्यादा जल्दी बाहर निकल गया, और अगला अपना 3rd नंबर भी आ चुका है। आपको याद रखना है कि टोटल 10 जन आने वाले हैं, और तीसरा नंबर यहाँ पर आ चुका है हिडियो इतामी, और इसको भी मैंने आते ही गिरा दिया है। तो गाइस सर, अगर आप चाहते हो ब्रॉक लेसनर ये फाइट जीत जाए तो फटाफट से कमेंट कर दो ब्रॉक लेसनर ओपी, जल्दी जल्दी कमेंट कर देना। और हाँ, अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ब्रॉक लेसनर के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे बहुत ही ज्यादा, और हमारा ब्रॉक लेसनर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मार रहा है। और यहाँ पर अभी 4th नंबर भी आने वाला है, 3
4, 3, 2, 1 और ये चौथा नंबर आ चुका है एपिको कोलन। ये सब लोग मेरे आगे कुछ भी नहीं है, इन सब को मैं बहुत ही बुरा मारने वाला हूँ। आजा एपिक कोलन के बच्चे ये ले, इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आजा अंकल आपको बाहर निकाला जाए, जाओ वहां से। ये तो बाहर नहीं जा पाया, पर अभी ये मेरे को मिस्टर क्यों लड़ रहा है, रुक जाओ। अभी हमने रिवर्स करके इसको यहाँ पर मार दिया, अब ये वापस उठ रहा है तेरी तो। और अभी अपना अगला यानी फिफ्थ नंबर भी आने वाला है। अब ये दोनों मेरे को ऐसे क्यों मारने आ रहे, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। ये एक को मारेंगे फिर ये दूसरे, अरे ये क्या खेलते, छोड़ मेरे को, मेरे को मार दिया। पहली बार अभी तक इसने मुझे मारा है, अब इसको मारेंगे, ये ले। और यहाँ पर अपना अगला एजे स्टाइल्स भी आ चुका है। एजे स्टाइल थोड़ा अच्छा खेलता है तो मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब इन दोनों की यहाँ पर लड़ाई चल रही है और एजे स्टाइल्स ने उसको मार दिया, तो हम भी उसको फेंकेंगे, निकल यहाँ से। और ये ले, एजे स्टाइल को हमें ज्यादा मारना पड़ेगा क्योंकि यार वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेलर, बढ़िया प्लेयर है, वो बहुत टाइम से WWE में, तो इसलिए उसको बहुत ही अच्छा रॉयल रंबल खेलना होता होगा। इसको निकालते हैं बाहर, अरे नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं, इसको बहुत ही बुरा मारेंगे फिर बाहर निकालेंगे। अरे इसने तो मुझे ही फेंक डाला। और यहाँ पर अपना सिक्स्थ नंबर भी आ चुका है। जल्दी जल्दी सब लोग आते जा रहे हैं। अबे कैसे मारा जा रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा, अरे एजे स्टाइल्स रुक जा, मुझे क्यों मार रहा है, तेरी तो मुझे बाहर निकालेगा। ये सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं मुझे बाहर निकालने की, पर मैं ऐसे तो नहीं जाने वाला। और ये क्या, एजे स्टाइल ने उसको ही बाहर निकाल दिया, चल अब तू भी बाहर निकल, ये ले। एजे स्टाइल्स को थोड़ा मारते, वो ज्यादा पिटावा नहीं है तो उसको पीटना पड़ेगा, तेरी तो ये ले। और जेवियर वुड्स आ चुका है 10th नंबर पर, देखते हैं ये क्या करने वाला है, तू क्या कर रहा है, चल यहां से बाहर जा। और इसको ओपन मारेंगे और ये तो खुद गिर गया, अरे ये क्या कर रहा है। तो काइजर मैं तो यार धीरे धीरे पिटने लग गया हूँ, मुझे लगता है आप यार वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, अगर आप लाइक करोगे तो मैं ज्यादा पिटूंगा नहीं, ज्यादा पीटूंगा, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना नहीं किया तो। अबे एजे स्टाइल चल बाहर निकल यहाँ से, इसको फटाफट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बाहर निकल जा, अरे तो बाहर ही नहीं जा रहा। इसको बाहर निकालने का ट्राई करते, क्या हम निकाल सकते हैं एजे स्टाइल्स को बाहर, हमें जल्दी जल्दी दबाना पड़ेगा। 1, 2, 3 एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, अरे नहीं इसको हमें और ज्यादा मारना पड़ेगा अगर एलिमिनेट करना है तो, इतनी जल्दी नहीं आसान होगा। अबे ये गोरा गोरा आदमी कौन आ गया, अबे क्या कर रहा है, मुझे क्यों मार रहा है। तो काइजर सेवियर वुड्स का बच्चा भी बहुत ही ज्यादा मार रहा है, अभी इसको भी बताते हैं। अभी इस बोर डलास को फेंकेंगे उधर और ये मारेंगे, अरे मुझे मेरे ऊपर कौन कूद गया, मैंने ये किया था। तो काइजर भी अपना अगला बंदा भी यहाँ पर आने वाला है, सिजारो यहाँ पर आ चुका है नंबर 9, और टोटल नंबर 10 और नंबर 9 तो ऑलरेडी आ भी चुका है। इसको बाहर निकालते हैं और काइजर इसको हमने बाहर निकाल दिया, ब्रॉक लेसनर सबसे ज्यादा खतरनाक है इनमें से। और यहाँ पर सेजारो आ चुका है, सबसे पहले सेजारो को ही मारेंगे। यहाँ पर सेवियर वुड्स को हम सिग्नेचर देने वाले, सुप्लेक्स मतलब सुप्लेक्स स्टेडियम बनने वाले, एक सुप्लेक्स, अब ये दूसरा सुप, अभी और भी बाकी है, ये तीसरा सुप्लेक्स और ये भी गया। तो काइजर तीन तीन सुप्लेक्स हमने इसको मार दिए, अब सेजारो की बारी, सेजारो तू भी नहीं बचने वाला, अबे ये कहां से आ गया, तेरी तो निकल यहां से। इसको हम देंगे फिनिशर F5, ले ये क्या कर दिया, ऐसे तो रिवर्स ही कर दिया हमारे ऊपर। और काइजर यहां पर नंबर 10 भी आ चुका है, नो वे जोस, सारे के सारे जने आ चुके हैं, इन 6 जने में से जो भी लास्ट खड़ा रहेगा वो ये जीतने वाला है और वो मैं ही होने वाला हूं। सबसे पहले इसको मारेंगे, अबे तेरी तेरे को क्या है, ए जेवियर वुड्स मुझे बाहर मत निकाल देना, सॉरी बच गया। और ये क्या, मैंने तो जेवियर वुड्स को ही बाहर फेंक डाला। तो काइजर अभी तो मैं यहां पर बच चुका हूं और इस सिजारो के बच्चे को मैं नहीं छोड़ने वाला, अबे डांस कर रहा नीचे। अभी यहां पर लास्ट 6 जने बचे हैं, हमें कैसे भी करके ये जीतना ही पड़ेगा। ये सिजारो को बच्चा फिर से मेरे से लड़ना क्या, अरे क्या है इसको चाहिए, नहीं 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 नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे बाहर नहीं जाना, एस्केप कर लिया अभी हमने फटाफट से। ये सिजारो का बच्चा बार-बार मुझे बाहर निकाल रहा है, इसको थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि मैं भी ब्रॉक लेसनर हूं, इधर आ, ये ले। तो गाइस इन 6 में से तो और कोई बाहर ही नहीं जा रहा यार, क्या करें, ये बो डेलास को बाहर निकालने की कोशिश करी जाए, चलो बाहर जाओ चाचा, इसको फटाफट से बाहर भेजते हैं और ये गया सीधा। तो गाइस आखिरी 5 जने यहां पर बचे और एजे स्टाइल सबसे ज्यादा पिटा हुआ है, तो मुझे लगता है एजे स्टाइल को अपना, ओके इसने मुझे ही मार दिया, मैं टारगेट बनाने वाला था पर इसने मुझे अपना टारगेट बना डाला। अबे ये क्या कर रहा है, मारना उसको, मुझे मार रहा है, अरे मुझे बचा ले जैक भाई यार बचा ले। तो काइजर हमें कैसे भी करके इसको जीतना है, पर ये एजे स्टाइल ज्यादा ही गुस्सा दिखा रहा है। इसका भी मैंने ये किक रोक लिया और इसको मारते निकल, जल्दी जल्दी उठा के इसको बाहर निकालते हैं। आ जाओ चाचा एजे स्टाइल्स तुम्हारी बारी आ चुकी है। अरे ये क्या, इसने फिर से रिवर्स कर दिया, ये एजे स्टाइल में कितनी ताकत है मुझे तो समझ ही नहीं आता है। अबे तू जाना बाहर। और अब एजे स्टाइल्स
की बाहर जाने की बारी यहाँ पर आ चुकी है। जल्दी जल्दी इसको एलिमिनेट करते हैं। और एज स्टाइल्स यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है, आखिरी चार जने यहाँ पर बचे और ये सिजारो को बच्चा ज्यादा ही मारने लगता है। अरे ऐसे तो मुझे ही पकड़ लिया, सॉरी। तो गाइस सिर्फ चार जने बचे हैं और चारों लगभग सेम पिटे हुए हैं। अब बस मुझे ब्लॉक करते जाना है और इन सब को खत्म करना है। सबसे पहले इसको मारेंगे, फिर इसको मार के इसने मुझे मार दिया। रुक जा सिजारो, आ रहा हूं मैं। अभी मैं थोड़ा थक चुका हूं तो थोड़ा सा सांस ले लेते हैं। सिर्फ चार जने बचे और उसके बाद फिर मैं ये बैट जीत जाऊंगा और $100 मिलियन भी। तेरी तो ऐसी की तैसी। ओ नहीं नहीं नहीं, इसको मैंने बाहर फेंक दिया। क्या ही भाई, बिल्कुल सही टाइम पे मैंने दबाया और वह सीधा बाहर जा चुका है। सिजारो अब इसका स्टंट कर रहा है। ओके, इसने रिवर्स हो गया। अब हम जैक के ऊपर कूदेंगे। ते ये ले। अब इन दोनों में से किसी एक को बाहर निकालते हैं, यानी जैक को फटाफट से मारते हैं। खतरनाक सा फिनिशर जो कि होने वाला है F5। इसके बाद ये जैक आराम से निकल जाएगा। 3, 2, 1 लेट्स गो। और ये जैक की हालत हमने कर दी है खराब। चलो जैक, तुम्हारे बाहर जाने का टाइम आ चुका है। चाचा बाहर निकलो। इस बार तो नहीं निकल पाया पर इस बार जरूर निकाल देंगे। चलो चलो बाहर चलो। अरे यार, इसने रिवर्स कर दिया। पहली बारी में निकालना चाहिए था, इस बार थोड़ा मुश्किल होने वाला है, पर मैंने भी रिवर्स कर दिया। ये सिजारो को क्या चाहिए, चल ना बाहर जा। और ये सिजारो को भी हमने बाहर निकाल दिया। और ये क्या कर रहा है। मैं भी बाहर निकल गया। पर गाइस यार, ये आखिरी जैक गैलेंगर यहां पर बचा है और ये डांस क्यों करने लग गया। सिर्फ ये आखिरी जना बचा है, इसको हमें हराना है और हम ये रॉयल रंबल का मैच और $100 मिलियन जीत जाएंगे। पर ये मुझे मारता ही जा रहा है, एक बार मुझे खड़ा होने दे, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला। ये क्या, नहीं, बच गया। अब तू उठ, मैं तेरे को बताता हूँ। यहाँ से तेरा बाहर निकलने का टाइम आ चुका है और इसी के साथ जैक गैलेंगर भी होता है एलिमिनेट और आज का विनर है ब्रॉक लेसनर। तो गाइस सर, हम ये खतरनाक सा रॉयल रंबल यहाँ पर जीत चुके हैं। कितना ज्यादा खतरनाक, सभी को मारा और आखिरकार मैं ये रॉयल रंबल जीत गया और $100 मिलियन भी। फटाफट से कमेंट कर दो, ब्रॉक लेसनर ओपी रॉयल रंबल जीत गया। फ्रैंकलिन, तुम्हारा स्वागत है आखिरी चैलेंज में। ये चैलेंज अगर तुमने कर दिया तो $500 मिलियन तुम्हें मिलने वाले हैं। पर ऐसा क्या होने वाला है इस चैलेंज में? इस चैलेंज में तुम्हें अपनी बाइक को लेना है और कुदाना है इन सारी की सारी बोर्ड्स के ऊपर से, वो भी एक बार नहीं दो बार। फिर से अपनी गाड़ी चलानी है, फिर से कुदाना है और इस फिनिशिंग लाइन पे $500 मिलियन और एक लैम्बोर्गिनी मेरी तरफ से वेट कर रही है। तो बस तुम्हें फिनिशिंग लाइन पर पहुंचना है और $500 मिलियन प्लस $100 मिलियन WWE प्लस $100 मिलियन रॉयल रंबल के और प्लस $50 मिलियन उस रेस के, टोटल $650 मिलियन तुम्हारे हो जाएंगे। तो काइजर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ $650 मिलियन जीतने के लिए। आप भी फटाफट से तैयार हो जाओ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और आखिरी बार कमेंट में लिख देना गुड लक फ्रैंकलिन, क्योंकि यार $650 मिलियन हमें मिलने वाले। हेलमेट हमने पहन लिया है और हम बिल्कुल तैयार हैं इस चैलेंज को करने के लिए। 3, 2, 1 गो, लेट्स गो। फटाफट से चलते हैं, अपनी गाड़ी को यहाँ से खुदा दें और सीधा लेके जाएंगे, लैंड कराएंगे इस वाले रैंप पर। हमने 10 बोटो को भी छोड़ दिया और ये आखिरी जंप $650 मिलियन और मेरे बीच में ये $650 मिलियन और मेरे बीच में ये आखिरी जंप होने वाला है। फटाफट से अपनी गाड़ी भगाते हैं और सीधा फिनिशिंग लाइन तक हम जाने वाले हैं। सारी बोर्ड्स के ऊपर से कूदते और क्या ही लैंडिंग करी और हम सीधा जाएंगे अपनी फिनिशिंग लाइन पर। तो गाइस सर, हम आ चुके फिनिशिंग लाइन पर और हम जीत चुके हैं $650 मिलियन। ये सारा का सारा कैश हो चुका है हमारा और ये खतरनाक सी लैम्बोर्गिनी भी फ्री में चुकी है। तो और हमें क्या ही चाहिए, हम सारे के सारे चैलेंजेस जीत गए और $650 मिलियन भी। अब इन सारे पैसों को मैं फटाफट से ट्रक में भरवाता हूं और लेके चलते हैं घर पे। तो गाइस सर, अभी आप देख सकते हो ट्रक हमारे पीछे पीछे आ रही है जिसमें हमारे $650 मिलियन कैश पड़ा है और हम जा रहे हैं सीधा अपने घर में। सारा का सारा पैसा उड़ाएंगे, पर अभी मैंने सोचा नहीं, तो आप फटाफट से कमेंट करके बताना कहां पे ये सारा का सारा पैसा उड़ाएं, क्योंकि ऐसे ही में बहुत ही ज्यादा पैसा है और हमें खतरनाक सी लैम्बोर्गिनी भी मिल चुकी है। तो गाइस सर, आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसकी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस सर, इस हम डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके जॉइन फॉलो करना और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।